ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने खुद से वादा किया है नमस्कार बच्चों मैं धीरज सिंह आप लोग का एस्टा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज बच्चे हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पंद्रहवीं क्लास है कल की क्लास में हमने जनरल सोलूशन आपको सिखाया था एक, -एक चीज हमने आपको बताया था कि किस कंडीशन से हमारा जनरल सोल्यूशन चलता है वो सारी बातें हमने सीखी थी बच्चे तो चलिए गुरु आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें क्योंकि यही जो आपका प्यार है हमें तो मेहनत करने के लिए और प्रेरित करता है तो बच्चा इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए एक एक बातों को पहले सीखो अब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें सीख ली फिर जाके कैलकुलस के में दिक्कत होगा फिर जाके आपको जमेट्री में दिक्कत होगा यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये पूरे गणित का बेस है अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आपको कैलकुलस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद पहले पढ़ेंगे फंक्शन फंक्शन के बाद फिर पढ़ेंगे कैलकुलस और कैलकुलस के बाद जोमेट्री यही प्रोसेस बच्चे आपका चलेगा एक दिन में आपकी दो क्लास होती हैं ताकि समय पे हमारा सिलेबस हो पाए सिलेबस होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट कर पाए इसीलिए एक दिन में आपकी दो क्लासेस होती हैं आप इन सभी क्लासेस को अटेंड करें एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर वाकई में आप एग्जाम करना चाहते हैं तो ए टू जेड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो हमारी टीम है ये आपको एक एक बातें सिखाती है जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है वही चीज़ बच्चे हम यहाँ पे लेकर चलते हैं जिन बच्चे का गणित वीक है उनको भी सीखने को मिलेगा और जिन बच्चों का गणित थोड़ा सा स्ट्रांग है उनको भी सीखने को मिलेगा तो चलिए भाई आज की क्लासे स्टार्ट करते हैं कल की क्लास में जो हमने आपको थोड़ी सी बातें सिखाई थी एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं फिर उसके बाद आज की क्लास में चलेगा क्वेश्चन अगले चार पाँच क्लासेस में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है या फिर आसान क्वेश्चन है या फिर एवरेज इन सभी क्वेश्चन को बच्चे हम अच्छे से कवर करेंगे तो आपको कतई भी टेंशन नहीं लेना है कि सर हमारा पी वाई क्यू से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं आज से आपको तांडव मिलेगा यानी कि आज से हमारा तांडव स्टार्ट एक एक बात सीखेंगे एक एक पी वाई क्यू के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना वो आपके सामने आएगा आज अब अच्छा इतर तो कल की क्लास में हमने आपको क्या सिखा रखा था रखा था एक बार यहाँ पे देख लो सोलूशन और रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये आपके सामने डिफिनेशन था फिर बच्चा पार्टी हमने आपको कराया था एक एग्जाम्पल फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना था आप बोले से बिल्कुल अगर साइन कॉस टेन और कॉट आपका जीरो है तो यहाँ पे थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा यदि साइन और कॉस आपका प्लस वन है तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा यदि साइन और कॉस आपका माइनस वन है तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा आप बोले से बिल्कुल फिर वचा बार्टी हमने आपके एक एग्जाम्पल कराया था फिर इसके बाद ये मेन कहानी थी यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा का जनरल सोलूशन एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन गुने यदि अल्फा यदि तो थीटा बराबर अल्फा थीटा टू एन पाई और प्लस माइनस अल्फा ये कहानी आपके सामने आया था फिर बच्चा बार्टी हमने आपके सामने ये क्वेश्चन किए थे इसी वेरायटी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक एक बात को हमें इसी तरीके से सीखना है जब भी आप पांच सितंबर को पेपर देने जाओगे इसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा आज बच्चे यहां पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमने कराया था एक कहानी में यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कल की क्लास में हमने इसका जवाब दिया था तीन सोलूशन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करोगे इसका जवाब बच्चे तीन सोल्यूशन नहीं होगा इसका जवाब होगा दो सोल्यूशन आप बोले सर ऐसा क्यों ध्यान से मेरी बात सुनो कल की क्लास में इस क्वेश्चन का सही जवाब आया था तीन सोल्यूशन जो कि गलत है इसका सही जवाब है दो तो सोलोसन आज बच्चे यहां पर पहला कंडीशन आपके सामने बच्चे बना साइन एक्स बराबर एक बटे दो तो यहां से एक्स का मान मिला था पाई और माइनस वन बच्चा पार्टी ये जो साइन है ना ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पर माइनस वन होता है आप बोले सर बिल्कुल अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर माइनस वन होता है तो ये जो y-axis का एंगल है ना, ये tan के ये का एंगल है ना ये टेन के डोमिन में नहीं आता बच्चा बाटी ये जो y एक्सिस का एंगल है ना ये टेन के डोमिन में नहीं आता है अगर टेन के डोमिन में नहीं आता यानी कि ये वाला कंडीशन आपका फेल हो जाएगा तो ये y एक्सिस का एंगल क्या होता है आप बोले सर टू एन प्लस वन गुने पाई बाई टू यानी टू एन प्लस वन गुने पाई बाई टू ये टेन के डोमिन में नहीं आता अगर टेन के डोमेन में नहीं आता तो ये कंडीशन आपका फेल होगा यानी कि यहां से ये जो एक सोल्यूशन मिला था ना ये आपको नहीं लेना है क्योंकि तो ये कंडीशन आपका टेन के डोमेन में नहीं है अगर ये टेन के डोमेन में नहीं है तो ये इक्वेशन को सटिस्फाई नहीं करेगा अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जनरल सोल्यूशन आपको नहीं लेना है आप बोले सर बिल्कुल यानी कि केवल इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल हैं पहला सोल्यूशन पाई बाई सिक्स और दूसरा सोल्यूशन बच्चे क्या है पाई पाई बाई सिक्स बोलिए गुरु क्या इतनी कहानी समझ में आई आप आबले सर बढ़िया से इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेंगे इसका सही जवाब है दो सोल्यूशन सही जवाब क्या है बच्चे आप बोले सर दो सोल्यूशन बात समझ में आ रही है आज आगे फिर बच्चा बार्टी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था इसमें आपको मिले थे दो सोल्यूशन आबले सर बिल्कुल फिर ये क्वेश्चन हुआ था फिर ये क्वेश्चन हुआ फिर हमने ये क्वेश्चन किया था यहां पे भी थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है क्या करेक्ट करना है ना नहीं ये तो सही है ये आपका बच्चे क्या है आबल सर सही ये भी आपका सही है तो कहां पे था हां ये वाला क्वेश्चन जब हमने यहाँ पे दो से भाग दिया तो आपको इसमें भी दो से भाग देना है बस ये जो पाई बाई सिक्स है ना इसकी जगह बच्चे हमें क्या करना है पाई तो ये सारी बातें कल की क्लास में हमने सीखी थी आज की क्लास में करेंगे तांडव यानी कि बच्चा पार्टी क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट आराम से रिलैक्स होकर एक बात सीखेंगे और कहानी को बहुत अच्छे समझेंगे आप बिल्कुल, एक बार इसको क्लोज कर देता हूं फिर इसके बाद आ जाते इस पे विभुन दी दी पहला क्वेश्चन बच्चा पार्टी आपके सामने आ चुका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस छत्तीस और माइनस में कॉस बेहतर कॉस छत्तीस माइनस कॉस बेहतर का हमें मान बताना है हमने आपको पंद्रह और पचहत्तर का मान बता रखा है आज की क्लास में आपको किसका मान देखना है छत्तीस बहत्तर और चौवन पहली बात अगर बच्चे आपसे कोई ये पूछे कि साइन अट्ठारह का मान क्या होता है तो साइन अट्ठारह डिग्री बराबर रूट फाइव माइनस एक भट्टी चार आबले सर बहुत बढ़िया दूसरी बात अगर बच्चे आपसे कोई ये पूछे कि साइन चौवन डिग्री का मान किसके बराबर ये जो माइनस वन है ना बस इसकी जगह प्लस वन आता है यानी कि रूट फाइव और प्लस में एक भट्टी चार दूसरी बात बोले सर बिल्कुल जो साइन अट्ठारह का मान होगा वही बच्चे किसका मान होता है आबड़िसर कौश बेहतर का मान जो साइन अठारह का मान होगा वही बच्चे किसका मान होगा आबले सर कौश बेहतर का मान और जो साइन चौवन का मान होता है ना वही बच्चे किसका मान होगा आबलेसर कौश छत्तीस कई बच्चे बोले सर आपने कैसे लिख दिया भैया बता रहे हैं है कि हमने कैसे लिख दिया आपको बच्चा पार्टी इतनी सी बात पता है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर नब्बे तो साइन अल्फा बराबर अगर नब्बे में से चौवन साइन के पास जा चुका तो के पास बच्चे तो कितना बचेगा आदमी से छत्तीस यानी कि हमारे एग्जाम में पंद्रह पचहत्तर अठारह छत्तीस और चौवन ये खतरनाक यूज होता है तभी तो केवल आप इतना इमेज बनाओ अभी साइन छत्तीस का मान आपको आगे बताएंगे ताकि आपको एक एक कहानी बहुत अच्छे समझ में आए यह नहीं कि हमने यहाँ पे भीड़ लगा दिया और आप उसी में कंफ्यूज जब चीजों को सिंगल तरीके से सीखोगे ना एक एक वेराइटी से सीखोगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा यानी कि बच्चा पार्टी पहली बात आपके सामने आ चुकी साइन अट्ठारह और साइन चौवन का मान जो साइन अट्ठारह का मान है तो वही कॉस बहत्तर जो साइन चौवन का मान है तो वही कॉस छत्तीस का मान आप कैसे याद करें साइन चौवन डिग्री साइन अट्ठारह से बड़ा तो देखो यहां पे बीच में माइनस है और यहां पे बीच में प्लस जैसे साइन पचहत्तर में बीच में प्लस आता था और साइन पंद्रह में बीच में माइनस तो वही हमें यहां पे इमेज बनाना है आज बच्चे यहां पर तो कॉस छत्तीस की वैल्यू क्या होगी साइन चौवन के बराबर यानी कि रूट फाइव प्लस एक बटी चार बहत्तर की वैल्यू साइन 18 के बराबर यानी कि बच्चे माइनस वन बाई फोर आप बोले सर बहुत बढ़िया जब इन सभी को माइनस करेंगे तो रूट फाइव प्लस वन माइनस में रूट पाँच और माइनस माइनस प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई चार ये रूट पांच से रूट पांच कैंसिल एक प्लस एक बराबर दो एंडिवाइडेड बाई चार दो बट्टे चार बच्चे कितना होगा आप बोले सर एक बट्टे दो यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चे क्या है एक बट्टे दो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हृदय कुमार जयह सर जी जयिंद बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये कहानी का आपको समझ में आई अगर ये कहानी समझ में आ चुकी तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं मुस्कुराने की वजह तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना अरे पिया रे मुस्कुराने की वजह तुम हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चे हमारे सामने क्या है, है. क्वेश्चन नंबर है ना ये सिक्सटी सिक्स के बराबर होगा सारी कहानी हमने आपको बता रखी है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर नब्बे देन अल्फा बराबर कॉस बीटा अगर नब्बे में से चौबीस साइन के पास है तो कॉस के पास बच्चे कितना होगा आप सर 66. आज इधर देखो सिक्स बराबर जीरो अगर जीरो का आप गुना किसी में भी करेंगे तो रिजल्ट बच्चे हमें क्या मिलेगा आप सर जीरो। गुरु हमने आपको ये बातें बता रखी हैं आबलिसर क्या कॉस नब्बे माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और दूसरी बात बच्चे हमने आपको क्या बता रखा है साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बिल्कुल यदि थीटा बराबर चौबीस है तो नब्बे माइनस चौबीस बच्चे यहां पे कितना होगा आप सर यानी कि साइन चौबीस का मान कॉसटी सिक्स के बराबर तो ये जो साइन चौबीस था ना हमने इसको लिखा कॉस सिक्सटी सिक्स डिग्री दिस माइनस दिस बराबर जीरो और जीरो का गुना किसी में भी करेंगे तो बच्चे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा आप बोले सर जीरो यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब विदेश कुमार जय जी यस सर बहुत बढ़िया आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चा पार्टी क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल गुरु हमने आपको ये कहानी बताया था जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने आपको पढ़ाया था यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर नब्बे होगा तो टेन अल्फा गुनित टेन बीटा बराबर वन आप सर बिल्कुल यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर नब्बे तो टेन अल्फा गुणित टेन बीटा बराबर बच्चे कितना होगा आप सर वन आप खुद ही देखना इकतीस और फिफ्टी नाइन का बच्चे सम कितना होगा आप सर नब्बे यानी कि इन दोनों का, का गोलन फल वन तैतीस और सत्तावन का सम बच्चे कितना होगा आबलेसर नब्बे यानी कि टेन अल्फा गुणित टेन बीटा बराबर वन इसी प्रकार से 35 का जो पेयर बनेगा ना वो 55 के साथ 35 का पेयर बच्चे किसके साथ बनेगा सर टेन पचपन के साथ क्योंकि तो 35 और 55 का सम नब्बे फिर से इसका जवाब कितना बनेगा सर वन यानी कि यहाँ पे जितने भी जोड़े बनेंगे ना उनका मान आएगा एक अगर उनका मान एक आएगा तो एक को आप कितनी बारी भी गुना करो रिजल्ट बच्चे हमें क्या मिलेगा आब सर वन यानी कि सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब रिदेश कुमार एनडीए की तैयारी बहुत कजब एक एक क्लास देखिए सारी कहानी आपको समझ में आएगी बस इसी प्रकार से चीजों को लेकर चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एंसर द थ्री आइटम दैट फॉलो यानी कि ये स्टेटमेंट में आपके सामने क्वेश्चन आया था कथन आपके सामने क्या है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 15 तो अल्फा बच्चा पार्टी पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस cos बीटा तो कहानी खत्म अल्फा बच्चे में दे रखा है 15 डिग्री और बीटा भी हमें कितना दे रखा गुरु आप बोले सिर्फ 15 sin 15 डिग्री का मान क्या होता है √3 1 और बटे में दो गुने 2 √2 तो। कॉस पंद्रह का मान साइन पचहत्तर के बराबर यानी कि रूट तीन प्लस एक और बटे में दो गुने रूट दो आप सर तो नीचे से बच्चे आपको कॉमन मिलेगा दो गुने रूट दो ऊपर आपका क्या बनेगा रूट तीन माइनस एक प्लस में रूट तीन और आगे प्लस में वन ये एक से एक बच्चे हमारा कैंसिल यानी कि कहानी आपके सामने बना दो गुने रूट तीन और बटे में दो गुने रूट दो आप बोले सर ये दो से दो, दो कैंसिल हो चुका यानी कि रूट तीन बट्टे रूट दो बच्चे क्या है सही जवाब तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कई बच्चे बोलेंगे सर इसको भी बता दो याद कैसे करें आ जाओ यहां पर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको फिर से कहानी कनेक्ट हो जाए अगर बच्चा पार्टी कोई आपसे ये पूछे साइन पंद्रह डिग्री का मान हमने आपको प्रूफ करके बता रखा है रूट तीन माइनस एक बट्टे दो रूट दो अगर बच्चा पार्टी आपसे कोई ये पूछे साइन पचहत्तर आप बोले सर इसमें क्या करें इसमें कुछ भी नहीं करना है रूट तीन प्लस एक और बटे में दो रूट दो यहीं से आपको दो वैल्यू और कनेक्ट करना है जो साइन पंद्रह का मान होता है ना बच्चे वही किसका मान होगा कॉस सेवेंटी फाइव का और जो साइन पचहत्तर का मान होगा ना वही बच्चे किसका मान होगा आप सर का एंगल के कहानी से ये सारी कहानी आती है बात समझ में आई ये पंद्रह डिग्री 18 डिग्री चौवन डिग्री हमें याद होना चाहिए लगे हाथ आपको यहां पे एक बारी रिवीजन और करा देता हूं अगर गुरु आपसे कोई ये पूछे कि टेन पंद्रह डिग्री का मान किसके बराबर तो आपका जवाब देना बच्चे दो माइनस रूट तीन अगर बच्चे आपसे कोई ये पूछे कि टेन पचहत्तर डिग्री का मान किसके बराबर आप बोले सर इसमें ना दो प्लस रूट तीन आता है अच्छा पार्टी ये जो टेन पंद्रह है ना यही आपका कॉट सेवेंटी फाइव डिग्री के बराबर होता है और ये जो टेन पचहत्तर है ना यही आपका कॉट पंद्रह डिग्री के बराबर होता है यानी कि ये जो पहले पेज पर आपके सामने टेबल लिखा हुआ है ये वैल्यू बच्चे आपको याद होने चाहिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बारी कंफर्म होता है कोई ना कोई यहां से वैल्यू आपके सामने यूज करेगा कोई ना कोई वैल्यू बच्चे यहां पे यूज करता है आप बोले सर बिल्कुल तो एक बारी आप लेंगे स्क्रीन फिर आ जाते क्वेश्चन पर भाई स्टेटमेंट आपको दे रखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर पंद्रह तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है रूट तीन बटे रूट दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड केवल एक ही इंफॉर्मेशन है कि अल्फा बराबर पंद्रह है और बीटा बराबर पंद्रह अच्छा पार्टी हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है अल्फा बराबर पंद्रह डिग्री और बीटा बराबर पंद्रह डिग्री तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि साइंस एवन अल्फा और माइनस में कॉस सेवन बीटा कमान बताओ आप बोले सर, पंद्रह गुने सात बराबर एक सौ पांच यानी कि साइन एक सौ पांच डिग्री पंद्रह गुने सात बराबर एक सौ पांच यानी कि कॉस एक सौ पांच डिग्री आप बोले सर मजा आ चुका आप बोले सर ये जो साइन एक सौ पांच है ना यही हमारा नब्बे प्लस पंद्रह होता है नब्बे प्लस पंद्रह अच्छा पार्टी ये जो एक सौ पांच है ना आप इसे लिखिए नब्बे प्लस थीटा यानी कि नब्बे प्लस पंद्रह डिग्री साइन नब्बे प्लस थीटा बराबर कॉस तो पंद्रह डिग्री कॉस नब्बे प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्योंकि तो दूसरे में कॉस आपका माइनस यानी कि प्लस में साइन पंद्रह डिग्री आप बोलिए सर बिल्कुल और यही क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया था यही तो आपसे पूछा था कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान बताओ फिर से एक बार लेता ले हूं कॉस पंद्रह का मान साइन पचहत्तर के बराबर यानी कि रूट तीन प्लस एक और बटे में दो रूट दो साइन पंद्रह का मान बच्चे क्या होगा रूट तीन माइनस एक और बटे में दो रूट दो। ये एक से एक आपका कैंसिल यानी कि जब ऊपर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा दो रूट तीन और नीचे बच्चे हमें क्या मिलेगा दो गुने रूट दो यानी कि ये दो से दो कैंसिल तो रूट तीन बट्टे रूट दो इज द राइट आंसर रूट तीन बट्टे रूट दो इज द राइट आंसर बोलो भाई कहानी समझ में आया कि नहीं ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चे एनडीए के एग्जाम के हैं सभी के सभी क्वेश्चन कहाँ के हैं आप बोले सर एनडीए के एग्जाम के एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कतई भी हमें टेंशन नहीं लेना है एक एक बातें हमने आपको सिखा रखी है अगर पंद्रहवीं क्लास पर पहुंचे हैं तो चौदह क्लासेस में हमने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है एक बारी उन क्लासेस को जरूर देखिएगा आपको जरूर फायदा मिलेगा आ जाते बच्चे अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर छ कंडीशन आपका वही है कि अच्छा अल्फा बराबर पंद्रह डिग्री और बीटा बराबर बच्चे कितना है सर पंद्रह तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस वन डिग्री प्लस में कॉस बीटा प्लस वन तो गुरु आपको कहानी यहां पे नहीं दिखा आप बोले क्या साइन ए प्लस बी है प्लस बी तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी मल्टीप्लाई में कॉस वन डिग्री आगे प्लस में कॉस अल्फा और मल्टीप्लाई में साइन वन डिग्री आप बोले सर बहुत बढ़िया आगे फॉर्मूला हमें लगाना है कॉस ए प्लस बी का यानी कि कॉस बीटा मल्टीप्लाई में साइन सॉरी कॉस बीटा मल्टीप्लाई में कॉस वन डिग्री और माइनस में साइन बीटा और मल्टीप्लाई में साइन वन डिग्री आप बोले सर बिल्कुल अच्छा पार्टी यहाँ पे इमेज बनाओ क्या इमेज बनाओ आप सर इन दोनों में से कॉस वन डिग्री हमें कॉमन मिला क्या मिला कॉमन आप सर कॉस वन अगर कॉस वन डिग्री आपको कॉमन मिला तो अंदर क्या बचेगा साइन अल्फा और प्लस में कॉस बीटा बले सर इसमें क्या कॉमन है इसमें साइन वन डिग्री कॉमन है तो यहां से साइन वन डिग्री कॉमन लीजिए यानी कि प्लस में साइन वन डिग्री अंदर आपका बचेगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा और माइनस में साइन बीटा आप सर बिल्कुल कहानी खत्म अब केवल बच्चा पार्टी इसको आपको सॉल्व करना है और इस मटेरियल को आपको सॉल्व करना है आप बोले सर कैसे सॉल्व करें देखो यहां पे। अगर अल्फा और बीटा आपका पंद्रह है यानी कि साइन पंद्रह डिग्री और प्लस में कॉस पंद्रह डिग्री का मान निकालना है और अभी हमने दो बार इसका मान निकाला तो बच्चे वैल्यू क्या बना था रूट तीन बटे रूट दो बस एक नया मटेरियल यहां पर है यानी कि कॉस पंद्रह डिग्री और माइनस में साइन पंद्रह डिग्री आप बोले सर इसमें क्या करें कुछ भी नहीं करना है कॉस पंद्रह की वैल्यू साइन पचहत्तर के बराबर यानी कि रूट तीन प्लस एक और बटे में दो रूट दो माइनस में साइन पंद्रह बराबर रूट तीन माइनस एक बटे दो रूट दो आप बोले सर क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा बहुत कुछ ये रूट तीन से रूट तीन कैंसिल माइनस माइनस प्लस यानी कि एक प्लस एक बराबर दो और नीचे आपका दो रूट दो भाई ये दो से कितनी बारी जाएगा आप बोले सर एक बारी यानी कि ये जो मटेरियल है इस मटेरियल का मान बच्चे क्या मिलेगा कॉस वन डिग्री मल्टीप्लाई में बटे रूट तीन बट्टे रूट दो प्लस में साइन वन डिग्री साइन वन डिग्री और मल्टीप्लाई में एक बट्टे रूट दो आप बोले सर ये तो हमें ऑप्शन में नहीं दिखा अगर नहीं दिखा तो यहां से एक बट्टे रूट दो कॉमन है अगर एक बट्टे रूट दो कॉमन लेंगे पंदर तो बनेगा बच्चे रूट तीन गुने कॉस वन डिग्री और आगे प्रश्न में साइन वन डिग्री क्या ऑप्शन आपको दिखा आप बोले सर बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सही है सही सही तो हमने लिखा है ना आप बोले सर बहुत बढ़िया से आपने लिखा है बहुत बढ़िया से यहाँ पे केवल आपको कर लेना है प्लस ये वाला कंडीशन सही है यानी कि सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्योंकि ये जो हमारे युवांडा वाले भैया है ना कभी वो प्लस को माइनस कर देंगे कभी ये दो को रूट दो लिख देंगे कभी रूट दो को दो लिख देंगे तो ये सब चलते रहता है इतना ध्यान ना दीजिए तो भाई ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ चुका आप बहुत बढ़िया एक बार बच्चे आप लेंगे स्क्रीन फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जब भी कथन में क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको नकल करने आना चाहिए यानी कि एक ही क्वेश्चन में इस मटेरियल का मान तीन बार यूज हुआ पहले क्वेश्चन भी यही था दूसरे क्वेश्चन में भी यही था और तीसरे में भी इसका यूज है अब ये नहीं कि बार बार इसको कैलकुलेट करो कथन में थोड़ा सा लॉजिक से आपको कनेक्ट करना होता है कि हमें क्या गिवेन है और हमें क्या चाहिए अगर नकल मारना सिख जाओगे तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से कथन में आपके सामने क्वेश्चन आ चुका दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन से नाइन के लिए इंफॉर्मेशन है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द टू आइटम देट फॉलो बच्चा बाड़ी पहला समीकरण हमारे सामने गिवन है ए गुने साइन स्क्वायर एक्स आर प्लस में पी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में सी ये पहला इंफॉर्मेशन है दूसरा इंफॉर्मेशन बच्चे हमें क्या दे रखा है उसकी जरूरत अभी नहीं है बच्चे यहां पर गुरु आपसे यह पूछा कि यहां से टेन स्क्वायर एक्स का मान किसके बराबर होगा इसके बारे में पूछा टेन स्क्वायर एक्स अब ये जो टेन स्क्वायर एक्स है ये वाई वाले मेटेरियल से थोड़ी मिलेगा यानी कि पहले ही कंडीशन से आपको टेन स्क्वायर एक्स मिलेगा आप बोले सर कैसे निकालें एक तो तरीका ये है कि आप यहां से साइन में ब्रेक करो फिर साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालो फिर एक बार इसे कॉस स्क्वायर में ब्रेक करें फिर कॉस स्क्वायर का मान निकालें फिर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर एक्स लेकिन हमें इस अंदाज से नहीं जाना है आज तो यहां पर देखो अगर आपसे ये पूछा कि टेन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए तो आप सर दोनों तरफ टेन स्क्वायर एक्स से भाग दे दो। दोनों तरफ बच्चे किससे भाग दे दे दोनों तरफ आपको कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है आप बोले सर ऐसा क्यों या साइन स्क्वायर बट्टे बराबर यानी कि दोनों तरफ बच्चा पार्टी हमने किससे भाग दिया आप बोले सर से से कहानी पे ध्यान देखते रहना अगर यहीं पे आपसे कॉट स्क्वायर एक्स का मान पूछा होता फिर हम ऊपर दोनों तरफ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से भाग देते किससे भाग देते बच्चे आप बोले सर साइन स्क्वायर एक्स से आज यहाँ पर आप बोले सर अब क्या करें जब भाग देंगे तो a गुने टेन स्क्वायर एक्स आगे प्लस में b बराबर में c गुने से स्क्वायर एक्सा तो बाड़ी इसके आगे क्या लिखेंगे आप बोले सर ये जो से स्क्वायर एक्स है ना इसको भी टेन स्क्वायर एक्स में चेंज करो तभी तो हमें आंसर मिलेगा बच्चा तो पार्टी स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस क्वेश्चन की कहानी यहीं पे खत्म। यानी कि a गुने टेन स्क्वायर एक्स आगे प्लस में b बराबर में c गुने वन बराबर सी और प्लस में c गुने टेन स्क्वायर एक्स जिसका मान चाहिए उसको एक तरफ लेकर आओ यानी कि a स्क्वायर माइनस में c गुने टेन स्क्वायर एक्स और बराबर में c- माइनस बी बराबर में c- माइनस बी तो बच्चा पार्टी यहां से आपको टेन स्क्वायर एक्स कॉमन मिलेगा जब हमने टेन स्कवायर एक्स यहां पे लिया कॉमन तो अंदर क्या बचेगा a- माइनस सी बराबर में c- माइनस बी तो गुरु आपसे यही पूछा कि टेन स्क्वायर एक्स का मान किसके बराबर होगा सी माइनस बी बट्टे ए माइनस सी सी माइनस बी बटे ए माइनस सी यही बच्चे मान किसका है आप बोले सर टेन स्क्वायर एक्स का मान यही मान किसका है आप बोले सर टेन स्क्वायर एक्स का मान है सी माइनस बी बटे ए माइनस सी सी माइनस बी बटे ए माइनस सी क्या कहीं पे आपको ऑप्शन दिखा आप बोले सर कहीं पे नहीं दिखा सी माइनस बी बटे ए माइनस सी इसका सही जवाब बच्चे क्या है सी माइनस बी बटे ए माइनस सी ये जो ऑप्शन आपके सामने है ना यहां पे तो डी तो है ही नहीं यार यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा भैया इसमें कहीं पे डी नहीं है पता नहीं क्या लिखे थे यार सी माइनस बी बटे ए माइनस सी इसको करेक्ट कर लो यानी कि ये जो ऑप्शन है इसको करेक्ट करो सी माइनस बी बटे ए माइनस सी यानी कि डी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब कहानी समझ में आई दिस इज़ द वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है अब ध्यान से मेरी बात सुनना तीन क्वेश्चन कथन में है ना लेकिन एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पर देखना तीनों क्वेश्चन बनेंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पर तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आएगा आज बच्चे यहां पर गुरु आपसे यह पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी माइनस ए बटे बी माइनस डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी माइनस ए बटे? दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं यहां पे। दूसरा समीकरण आपके सामने क्या है बी गुने साइन स्क्वायर वाई और प्लस में ए गुने कॉस स्क्वायर वाई बराबर में डी आपसे तो आप ये पूछा बी माइनस डी का मान क्या होगा ध्यान से मेरा यहाँ पे बात सुनना एक एक कहानी आपको समझ में आएगी अगर इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलोगे आप भले सर बिल्कुल बात समझ में आ रही बच्चे देखो यहाँ पे अब हमें कैसे यहां पे सोचना है कई बच्चे यहीं पर जाके फसेंगे अच्छा d- माइनस ए बट्टे बी माइनस डी का मान क्या होगा d- माइनस ए बटे बी माइनस डी का मान क्या होगा ध्यान से मेरी बात सुनना आपके सामने बच्चा पार्टी मिला c- माइनस बी बट्टे ए माइनस सी का मान टेन स्क्वायर एक्स के बराबर लॉजिक यहां पे लगाओ तो ये c- माइनस बी है लेकिन यहां पर बच्चे हमें क्या मिलेगा आप D -A. नीचे आपका ए माइनस सी है यानी कि ए माइनस सी तो नीचे बच्चे आपको क्या मिलेगा आप B तो इसी मेटेरियल का तो मान आपसे पूछा कि इसी मेटेरियल का मान किसके बराबर होगा इमेज बनाओ क्या हमने आपसे बोला जब हमने एक मेटेरियल सॉल्व किया तो सी माइनस बी बट्टे ए माइनस सी इसका मान हमें निकाला टेन स्क्वायर एक्स और इस एक में यही आपके सामने कि डी माइनस ए बटे बी माइनस टी जब यहां पे एक्स था, तो इसका जवाब है टेन स्क्वायर एक्स लेकिन जब यहां पे वाई है तो इसका जवाब बच्चे क्या होगा टेन स्क्वायर वाई यानी कि सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब यही तो हमने आपको बताया एग्जाम में हमें नकल करने आना चाहिए यह नहीं कि इसको सॉल्व करने बैठ जाए अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप खुद ही बताओ कि एग्जाम कैसे कवर कर पाओगे तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो यही कहानी बच्चे हमें लेकर चलना है आप सॉल्व भी कर सकते हो देखो यहां पे, आप सॉल्व कैसे करोगे सेम कहानी है आपको कॉस स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा तो डी माइनस ए बट्टे बी माइनस डी बराबर टेन स्क्वायर वाई भाई फिर से मैं समझा रहा हूं इमेज बनाओ यहां पे आपको मिला c माइनस बी ऊपर हमने लिखा यहां पे ऊपर आपको दिखा डी माइनस ए डी माइनस ए बना नीचे यहां पे a माइनस सी है यानी कि a माइनस सी और इधर बच्चे नीचे क्या है आप बोले सर b माइनस डी यानी कि d माइनस ए बट्टे बी माइनस डी बराबर टेन स्क्वायर वाई इसी मटेरियल का मान टेन स्क्वायर एक्स है तो इसी मटेरियल का मान बच्चे किसके बराबर टेन स्क्वायर वाई के बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा आज बच्चे यहां पर अभी मिटाऊंगा नहीं क्योंकि अब इन दोनों को नकल मार के तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा तो जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए ना तो हमें इसी तरीके से वहां पर सोचना है आज बच्चे यहां पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है वाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर तो तीसरा कथन बच्चा तीसरा इक्वेशन हमारे सामने क्या था आप बोले सर पी गुने टेन एक्स बराबर लिख देता हूं पी गुने टेन एक्स और बराबर में क्यू गुने टेन वाई हाँ बोले सर बिल्कुल अब जो उस क्वेश्चन पर जिसका मान आपसे पूछा है तो हमसे ये पूछा कि पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर क्या होगा तो आप बोले सर यहां से हमें ना पी बट्टे मिलेगा n y बट्टे टेन, टेन एक्स लेकिन क्वेश्चन में बच्चा पार्टी आपसे ये पूछा कि पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर क्या होगा यानी कि हमें टेन स्क्वायर वाई और बटे में टेन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए टेन स्क्वायर वाई और बटे में टेन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए क्या ये दोनों का सोलूशन यहाँ पर नहीं है आप बोले सर बिल्कुल टेन स्क्वायर एक्स भी हमें पता है और हमें टेन स्क्वायर वाई भी पता है टेन स्क्वायर वाई बच्चे कितना है बी माइनस ए और बटी में बी माइनस टी टेन स्क्वायर एक्स बच्चे कितना है सी माइनस बी बटे ए माइनस सी बिल्कुल अब ये जो है ये पहुंचेगा ऊपर और ये मटेरियल आपका नीचे तो बच्चा पार्टी यहां से कहानी क्या बनेगी आप सर डी माइनस ए और मल्टीप्लाई में ए माइनस सी एंड डिवाइडेड बाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस सी सी माइनस बी और मल्टीप्लाई में बी माइनस टी माइनस टी आप बोले बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है टी माइनस ए इंटू सी ए माइनस सी में सी माइनस बी इंटू बी माइनस टी कोई भी ऑप्शन आपको यहां पे नहीं दिखा कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं दिखा लेकिन ये बी ऑप्शन के ऊपर नजर मारो भाई ये वाला तो मेटेरियल आ ही नहीं सकता क्योंकि तो बी माइनस सी कहीं पर नहीं है ना तो सी माइनस बी है ये वाला भी मेटेरियल नहीं आ सकता है आप बोले सर बिल्कुल तो बच्चा ने क्या किया यहां से माइनस कॉमन लिया जब माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर आपका बनेगा ए माइनस टी जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका बनेगा सी माइनस ए और माइनस माइनस मिलकर प्लस यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो गुरु हमें यहां पे मिलेगा b- माइनस सी यहां से कॉमन लेंगे तो हमें कंडीशन मिलेगा d- माइनस बी और माइनस माइनस मिलकर प्लस यानी कि b ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब तो तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है ऐसे हमें एग्जाम में चीजों को सोचना होता है जब भी ऐसे कथन में क्वेश्चन आए बात समझ में आई बच्चे बोलो समझ में आया आप बोले से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है वैल्यू ऑफ कॉस अड़तालीस माइनस कॉस डी बोले सर दोनों रिजल्ट आपका साइन में होगा यानी कि सी प्लस डी बटे दो अड़तालीस बारह साठ और साठ बटे दो बराबर तीस मल्टीप्लाई में साइन सी माइनस डी यहाँ पे नहीं होता है डी माइनस सी बटे दो, तो बारह माइनस अड़तालीस बराबर माइनस छत्तीस और माइनस छत्तीस बटे दो बराबर बच्चे कितना होगा माइनस अठारह यहीं पे बच्चा मिस्टेक करता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर दो गुने साइन सी प्लस डी बटे दो, और मल्टीप्लाई में साइन टी माइनस सी बटे दो, ना कि सी माइनस डी बटे तो तो माइनस सी बटे दो बारह माइनस अड़तालीस बराबर माइनस छत्तीस और माइनस छत्तीस बटे दो बराबर दो गुने साइन थर्टी और मल्टीप्लाई में साइन अठारह साइन थर्टी का मान बच्चे क्या होता है आबलेसर एक बट्टे दो मल्टीप्लाई में एक बटे दो साइन का मान रूट फाइव माइनस एक बट्टी चार ये दो से दो कैंसिल माइनस को उधर भेजेंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एक माइनस रूट पांच बट्टी चार एक माइनस रूट पांच बट्टी चार यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एक बारी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी हमारे सामने क्या है ये आसान था भाई खत्म कहानी क्या हमने आपको ये फॉर्मूला नहीं बता रखा था माइनस थीटा और में कॉस सिक्सटी प्लस थीटा जब भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन आए तो हमें जवाब देना होता है एक बट्टे चार और में कॉस थ्री थीटा आप बोले सर बिल्कुल आप खुद ही बताओ इसमें आपका थीटा क्या है आप बोले सर पता ही नहीं अगर 10 लेकर चलेंगे तो हमें 50 चाहिए और हमें 70 चाहिए ना तो 50 दिखा और ना ही 70 दिखा लेकिन अगर थीटा 20 लेकर चलोगे तो हमें 60 माइनस बीस यहां पे 40 दिखा लेकिन 80 नहीं दिखा वही बात नहीं देखो यहां पे। तो भाई आपके सामने क्वेश्चन है आठ गुने कॉस डिग्री मल्टीप्लाई में कॉस ट्वेंटी डिग्री और मल्टीप्लाई में कॉस चालीस डिग्री अगर गुरु यहाँ पे आप थीटा बराबर दस लेकर चलोगे ना तो ना ही पचास दिखा और ना ही सत्तर लेकिन अगर थीटा बराबर बीस लेकर चलोगे तो साठ माइनस बीस बच्चे कितना होता है आब से चालीस तो यहां पे कॉस सिक्सटी प्लस थीटा की कमी है तो ऊपर और नीचे गुना कर लो यानी कि साठ प्लस बीस बराबर अस्सी तो भाई हमने ऊपर भी कॉस अस्सी से गुना किया और नीचे भी गुना किससे करेंगे कॉस अस्सी से पानी यहां पे खत्म अब ये जो तीनों मेटीरियल है ना ना ये तीनों मेटीरियल मिलकर आपका फॉर्मूला बनाएंगे यानी कि आठ गुने कॉस दस डिग्री मल्टीप्लाई में एक बट्टे चार कॉस थ्री थीटा बीस गुने तीन बराबर साठ यानी कि कॉस सिक्सटी डिग्री आई ये जो कॉस अस्सी है यही वैल्यू किसके बराबर आप बोले सर साइन दस के बराबर देखो तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हुआ कॉस का मान बच्चे होता है एक बट्टे दो यानी कि चार गुने दो बराबर आठ ये आठ से आठ कैंसिल तो जवाब आपको मिला कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा यानी कि रिजल्ट बच्चे किसके बराबर है आप बोले सर कॉट दस डिग्री यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब कितनी बारीकी से हमने आपको एक एक बातें सिखा रखी हैं ताकि आपको यह पता चले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका लग नहीं होगा जो भी बातें हमने आपको सिखा रखी हैं केवल वही कहानी बच्चे आप सीख लो और आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से 20 बाईस क्वेश्चन आते हैं तो जितनी बातें हमने आपको सिखा दी ना अगर उतनी बातें आप सीख गए एक-एक क्वेश्चन वहां पे करके आओगे आज बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये तो खत्म थीटा बटे साइन थीटा ये बच्चे किसके बराबर टेन पैतालीस माइनस थीटा पैतालीस माइनस सत्रह बराबर अट्ठाइस ये टेन से टेन कैंसिल यानी कि थीटा बराबर अट्ठाईस तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब ऑप्शन इज द राइट एंसर कहानी खत्म क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या होगा भाई फिर इसे कथन में आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपके सामने की बेन है यानी आपने क्या फील किया मैं वो टीचर नहीं हूं कि केवल थ्योरी आपको पढ़ा के चला जाऊं एक एक क्वेश्चन बच्चे लेकर चलेंगे जो हमारे एग्जाम में आ चुका है और जो हमारे एग्जाम में आ सकता है आप बोले सर बिल्कुल आज यहां पर गुरु आपसे ये बोला रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एंसर द टू आइटम्स दैट फॉलो यानी कि कंडीशन आपके सामने है अगले दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है आप बोले सर क्या कंडीशन है माना टेन थ्री ए बटे टेन ए बराबर के वेयर टेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड के इज नॉट इक्वल टू थ्री तो पहला मेटीरियल आपसे ये पूछा कि टेन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा आप बोले सर का करें टेन थ्री ए का फॉर्मूला रखो यानी कि तीन गुने टेन ए और माइनस में टेन के पावर तीन है डिवाइडेड बाई एक माइनस तीन गुने टेन स्क्वायर ए ये टेन थ्री ए का फॉर्मूला है और डिवाइड में, तो में टेन ए बच्चे आपका और है मल्टीप्लाई तो में टेन ए है का मान चाहिए आप बोले सर टेन स्क्वायर ए का मान आप बोले सर अब क्या करें क्या यहां से टेन ए आपको कॉमन नहीं दिखा आप बोले सर बिल्कुल जब टेन ए हमें कॉमन दिखा तो अंदर आपका बचेगा तीन माइनस टेन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक माइनस तीन गुने टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में टेन है इसी का मान है के के बराबर टेन ए से टेन आपका कैंसिल इसको करिए उधर गुना और जीवन का लीजिए आनंद यानी कि तीन माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में ए गुने एक बराबर के और माइनस में तीन गुने के टेन स्क्वायर ए आप बोले सर यहीं पे तो आके हम लोग फंस जाते हैं कि अब यहाँ पे कैसे अरेंज करना है केवल एक ही बात आपको सिखाऊंगा जिस भी मटेरियल का मान पूछे उससे एक तरफ करिए और जिस मटेरियल का मान ना पूछे उससे दूसरी तरफ आज़ा बच्चे यहां पर यानी कि हमें क्या करना है इस मेटीरियल को इधर लेकर आ जाओ और तीन को बच्चे उधर तो कहानी आपके सामने बनेगा तीन गुने के टेन ए। और माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में बच्चे कितना होगा सर, के माइनस सर, यहां से टेन स्क्वायर ए कॉमन है अगर टेन स्क्वायर एक कॉमन है तो अंदर आपका क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक कॉमन यानी कि तीन के माइनस वन तीन के माइनस वन और बराबर में के माइनस तीन तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके कदमों में आ चुका यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर के माइनस तीन बटे तीन के माइनस वन कौन सा ऑप्शन बच्चे सही है कौन सा ऑप्शन सही है माइनस तीन बट्टे तीन के माइनस वन यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर तह ते दिल से शुक्रिया सर हम लोग आप ही से सीखते हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना है किस तरीके से हमें चीजों को आगे लेकर चलना है किस तरीके से हमें पढ़ाना है किस तरीके से हमें समझाना है ये आप ही की देन है आपको तहे तहे दिल से धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए आज ये बच्चे अगले क्वेश्चन पर तो भाई टेन स्क्वायर ए का मान मिल चुका अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो यहीं से नकल मारो यानी कि हमें नकल मारने आना चाहिए जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो आपको नकल मारना है आज इधर अगला क्वेश्चन इसी कथन में क्या पूछा आप बोले सर ये क्या है देखो भाई और रियल वैल्यू ऑफ टेन ए कैन नॉट लाई बिटवीन यानी कि के किस इंटरवल में नहीं होगा तो अच्छा बाल्टी हमें टेन स्क्वायर ए का मान पता है तो आप खुद ही बताओ टेन ए का मान क्या होगा टेन ए बराबर अंडर रूट में के माइनस तीन बटे और तीन के माइनस वन कुल मिला के हमें के का नेचर यहां पे देखना है तो यहाँ पे इनक्वलिटी वाली कंडीशन बन चुकी है अगर रूट के अंदर एफ एक्स होता है तो एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आप बच्चे खुद ही बताओ क्या रूट के अंदर कभी वैल्यू माइनस में आ सकती है फिर तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा लेकिन आपसे बोला फॉर रियल वैल्यू यानी कि या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ा यानी कि ये मेटेरियल या तो जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा तो भाई यहां से आपको के के दो मान मिलेंगे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पहला के का मान बच्चे कितना है सर एक भट्टे तीन यहां से और दूसरा के का मान कितना है सर तीन प्लस माइनस प्लस ये सब कहानी पता होना चाहिए दूसरी क्लास में आपको रेखा मैडम ने सिखा रखा होगा आज बच्चे यहां पर अगर जीरो से बड़े का कंडीशन है ना यानी कि हमें प्लस वाला हिस्सा लेना है प्लस वाला हिस्सा बचे हमें लेना है यानी कि के की वैल्यू एक तो तीन से बड़ी होगी और एक बट्टे तीन से छोटी जीरो से बड़ा है यानी कि प्लस वाला हिस्सा हमें लेकर चलना है तो के की वैल्यू एक बट्टे तीन से छोटी और के की वैल्यू तीन से बड़ी यानी कि ये माइनस वाला हिस्सा नहीं आएगा अगर ये माइनस वाला हिस्सा नहीं आएगा तो ये माइनस वाला हिस्सा किसके बीच में है आप बोले सर एक बट्टे तीन और तीन के बीच में और क्वेश्चन में यही तो पूछा कि के किसके बीच में नहीं आएगा यानी कि एक बट्टे तीन और तीन के बीच में नहीं आएगा तो ये ए ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समझ में आई बच्चे खतरनाक क्वेश्चन है जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको नानी याद दिला देगा एक बारी आप लेंगे स्क्रीनशॉट एक बारी मैं और बता देता तो हूँ हमने क्या किया रूट के अंदर वैल्यू कभी माइनस में आ ही नहीं सकती फिर वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा यानी कि आपसे ये पूछा फॉर रियल वैल्यूज तो या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी तो यहां से के, के दो मान मिले एक तो के बराबर तीन है और एक के बराबर एक बट्टे तीन जीरो से बड़े का मतलब है कि हमें प्लस वाला हिस्सा लेना है यानी कि ये हिस्सा शामिल होगा और ये हिस्सा शामिल होगा ये वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा तो के किसके बीच में नहीं आएगा एक बट्टे तीन और तीन के बीच में यानी कि ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब एक बारी आप लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चा पार्टी क्या है यदि कॉस ए बराबर तीन बटे चार देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू और मल्टीप्लाई में साइन थ्री ए बाई टू हमें इस मटेरियल का मान बताना है इस मटेरियल का मान किसके बराबर होगा आप बोले सर का करें भैया का करोगे कुछ नहीं करना है दो से ऊपर गुना करो और दो से नीचे गुना तो क्या ये टू साइन ए इंटू साइन बी नहीं बना आप बड़ी सर बिल्कुल यानी कि एक बट्टे दो टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी बच्चे कितना होगा ए माइनस तीन ए बराबर माइनस टू ए और बट्टे में दो ये दो से दो कैंसिल कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा यहां पर माइनस में कॉस ए प्लस बी बटे दो तो तीन ए प्लस ए बराबर चार ए और बटे में तो। तो दो से बच्चे कितनी बारी जाएगा आप सर दो बारी यानी कि यहां से ए प्लस बी आपको मिला टू ए के बराबर आप सर बहुत बढ़िया केवल हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया इसीलिए हमने आपको तीन क्लासेस में सभी फॉर्मूले का जिक्र किया था। बात समझ में आ रही है? तो two sine a into sine b बराबर cos a minus b और माइनस में cos a plus b। आज बच्चे यहां पर। तो गुरु ये जो cos two y है, इसे हमें पहले चेंज करना पड़ेगा cos में, cos a में। तो cos two a बराबर दो गुने cos square a और माइनस में वन कहानी इस क्वेश्चन की खत्म जहां जहां पे कॉस है वहां पे आपको मान रखना है तीन बट्टे चार भाई एक बट्टे दो कॉस ए बराबर तीन बट्टे चार माइनस में दो गुने तीन बटे चार के स्क्वायर बच्चे कितना होगा आप सर नौ बट्टे सोलह और आगे प्लस में वन आगे प्लस में वन आप सर बिल्कुल ये दो से जाएगा बच्चे कितनी बारी आप बलसर आठ बारी यानी कि एक बट्टे दो चार और आठ का हिस्से बनेगा आठ यानी कि हमने नीचे लिखा आठ तो चार दुना आठ यानी कि तीन दुना छ माइनस में नौ और प्लस में आठ आठ छ चौदह चौदह माइनस नौ बराबर पांच यानि कि पांच बट्टे आठ और मल्टीप्लाई में एक बट्टे दो तो. जब पांच बट्टे आठ में एक बट्टे दो से गुना करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पांच बट्टे सोलह यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर भाई एक एक फॉर्मूले आपके फिंगर पे होने चाहिए तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से कवर कर पाओगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चे हमारे सामने क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट में और भयंकर सा चुका ये आज का चौथा क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट में है यानी कि एक एक वैरायटी में आपके सामने कवर कर रहा हूं जो बच्चे ये बोले सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कब आएंगे देखो आपके सामने आज बच्चा पार्टी यहां पर गुरु आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है यदि p बराबर एक्स गुने कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई बराबर पी बराबर बच्चे हमें दिया एक्स गुने थीटा और प्लस में सॉरी माइनस में पी बराबर गुरु क्या है एक्स गुने कॉस थीटा और माइनस में वाई गुने साइन थीटा आप बोली सर बिल्कुल Q का मान गुरु कितना है एक्स गुने साइन थीटा और प्लस में वाई गुने कॉस थीटा इसमें भी जानते हो केवल एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और तीन क्वेश्चन के आंसर खटाक खटाक मिलेंगे यही कथन का निष्कर्ष है कि एक क्वेश्चन पे आपको समय देना है और तीनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके बनेंगे केवल आपको हिंट लेने आना चाहिए हमसे क्या पूछा है आज बच्चे यहां पर अगला कंडीशन आपके सामने ये है पी स्क्वायर प्लस चार गुने पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर यानी कि हमें पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू है और पी गुने क्यू का मान तो क्या बच्चा पार्टी हमने आपको यह कहानी नहीं बता रखा है बराबर. बराबर. और प्लस में वाई स्क्वायर पहला कंडीशन तो आपको यहां से यह मिल दूसरा कंडीशन हमें पी गुने क्यू का मान चाहिए यानी कि इन दोनों को आपस में गुना करना है आप बोले सर ई e कैसे मिला भाई स्क्वायर करके जोड़ दो और हमने आपको सिखा भी रखा है a साइन थी बी साइन थीटा प्लस ए कॉस्टा बराबर d, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आप बोले सर बिल्कुल देखो एक्स आ चुका साइन के पास और वाई आ चुका कॉस के पास तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर पी गुने क्यू यानी कि इन दोनों को आपस में गुना करो तो इसका गुना इन दोनों में करिए यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाईमिक साइन थीटा और मल्टीप्लाइमिक कॉस थीटा इसका गुना यहां पे करेंगे तो प्लस में एक्स गुने वाई मल्टीप्लाइमिक कॉस स्क्वायर थीटा आप बोले सर बहुत बढ़िया माइनस वाई साइन थीटा का इसमें गुना यानी कि माइनस में एक्स गुने वाई साइन स्क्वायर थीटा इसका गुना यहां पे करेंगे यानी कि माइनस में वाई के पावर टू साइन थीटा और मल्टीप्लाई में थीटा क्या बच्चा पार्टी हमने सही लिखा है आप बोले सर बिल्कुल एकदम सही बात हमने हमारे सामने लिखा हुआ है ये जो पहला और अंतिम टर्म है फर्स्ट और अंतिम टर्म इसमें से साइन थीटा थीटा आपको कॉमन मिलेगा आप बने सर बिल्कुल क्या कॉमन मिलेगा बच्चे साइन थीटा और थीटा, यानी कि यहां पे मटेरियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाइमिकॉस थीटा यहां से बच्चा पार्टी आपको एक्स गुने वाई कॉमन मिलेगा एक्स गुने वाई हमने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा तो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी मिल चुका और हमें बच्चे पी गुने क्यू का भी मान मिल चुका इन दोनों का मान उठा के यहां पर चिपकाइए और जीवन का लीजिए आनंद आप बोले सर बिल्कुल चार्यू चार तो पी गुने क्यू में हमें चार से गुना करना है यानी कि चार गुने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा और मल्टीप्लाई में थीटा आगे बच्चे क्या बनेगा प्लस में चार गुने एक्स वाई और मल्टीप्लाईमे थीटा इसी मेटेरियल का मान बच्चे किसके बराबर है ए गुने एक्स स्क्वायर और प्लस में बी गुने वाई स्क्वायर के बराबर क्या इतनी सी बात में कोई तकलीफ है आप बोले सर यहीं पे तो तकलीफ है अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया जो हमें इक्वेशन बनाना था वही इक्वेशन बच्चा हमने यहाँ पे बना दिया आप बोले सर अब क्या करें अरे कुछ भी नहीं करना है एक्स स्क्वायर वाले मटेरियल को एक साथ और वाई स्क्वायर वाले मटेरियल को एक साथ में करना है एक्स स्क्वायर वाले मटेरियल को एक साथ और वाई स्क्वायर वाले मटेरियल को एक साथ यहीं से एक इमेज और बनाइए आप बोले सर ये जो साइन थीटा गुने कॉस थीटा है अगर एक दो यहां पे ला दें तो ये बन जाएगा साइन टू थीटा दिखने में अच्छा लगे तो अगला कंडीशन देखिए आपके सामने क्या बना एक एक बात आपको समझा रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दो को हमने वहां पे भेजा यानी कि साइन टू थीटा एक दो को हमने वहां पे भेजा तो ये साइन टू थीटा एक दो आपका बचा रह जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आगे प्लस में चार गुने एक्स वाई कॉस्टू थीटा बराबर में ए गुने एक्स स्क्वायर और प्लस में बी वाई स्क्वायर कहानी आप बोले सर इतना ज्यादा लिखना है भैया तीन क्वेश्चन है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से तीन क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे यानी कि इस कंडीशन पर बच्चा पार्टी हम आप पहुंच चुके आप बोले सर अब क्या करें भैया अभी तो हमने बताया एक्स स्क्वायर का मटेरियल एक साथ और वाई स्क्वायर का मटेरियल एक साथ कि देखिए अगली कहानी आपके सामने क्या बनेगी ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ये जो कहानी आप बोली सर बिल्कुल आज यहां पर तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस में टू साइन थीटा एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चे वन प्लस दो गुने साइन टू थीटा वाई स्क्वायर को अलग करिए यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में टू साइन टू थीटा वाई स्क्वायर तो जब वाई स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक माइनस टू साइन टू थीटा आगे प्लस में चार गुने एक्स वाई मल्टीप्लाई में थीटा बराबर में ए गुने एक्स स्क्वायर और प्लस में बी गुने वाई स्क्वायर इसी इक्वेशन से तीनों क्वेश्चन आपके बनेंगे ये जो आपके सामने इक्वेशन है ना इसी इक्वेशन से तीनों क्वेश्चन एक एक लाइन के अंदर आएंगे अब यानी कि पहले हमें इक्वेशन को अरेंज करना था आप बने सकते पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा यानी कि हमें यहां से थीटा का मान बताना है बच्चे इसका मान बताना थीटा का भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ए है और वाई स्क्वायर का बी है और एक्स गुने वाई का कोफिसियंट यहाँ पर जीरो है आप खुद ही बताओ यहाँ पे बच्चा पार्टी एक्स वाई का कोफिसंट क्या है आप बड़े चीरो यानी कि ये जो चार कॉस्टू थीटा है ना इसी का मान चीरो के बराबर है बच्चा पार्टी चार गुने कौश टू, टू थीटा बराबर जीरो जीरो के किस एंगल पर आप बोले सर पाइबे टू पर कॉस नब्बे का मान जीरो होता है यानी कि ये कॉस से कॉस कैंसिल तो टू थीटा बराबर पाइबे टू अगर टू थीटा बराबर पाइबे टू है तो थीटा बराबर बच्चे कितना होगा आप बोले सर पाई बाई फोर यानी कि यहां से हमें एंगल मिला पाई बाई फोर तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब <coughs> भाई कंपेयर तो करने आता है ना आप बोले सर कैसे किए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि ये जो मेटेरियल है ना यही ए का मान है वाई स्क्वायर का कोफिशियंट बी है यानी कि ये जो मटेरियल है ना यही बी का मान है क्या इधर एक्स वाई का कोफिसंट है नहीं यानी कि एक्स वाई का कोफिसंट जीरो है और यहां पे चार गुने थीटा यानी कि इसी मेटेरियल का मान बच्चे किसके बराबर आप जीरो के अगर चार कोश टू थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर पैतालीस अब जो अगले दो क्वेश्चन है ना ये एक एक सेकंड के अंदर बनेंगे आप खुद ही बताओ क्या पहले ये सब क्वेश्चन देखकर आपको डर लगता था बोले सर हम सो जाते थे डर की तो बात छोड़ो हम क्वेश्चन देखकर सो जाते थे लेकिन वही चीज हमने आपको बोला जब भी बड़े क्वेश्चन आए तो हमें पेशेंस के साथ एक एक मेटेरियल पहले लिखना होता है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेप था चार पांच स्टेप में आपके तीन क्वेश्चन कवर हुए कितने क्वेश्चन सर तीन आप बोले सर दूसरा और तीसरा क्या है देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपसे यह पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए किसका मान बच्चे पूछा है आप बोले सर ए का मान और ए का मान क्या मिला एक प्लस टू साइन टू थीटा ए का मान बच्चे कितना है एक प्लस दो गुणे साइन थीटा आप बोले सर बहुत बढ़िया टू थीटा का मान नब्बे डिग्री और नब्बे का मान बच्चे क्या होता है साइन नब्बे का मान एक यानी कि एक प्लस दो बराबर तीन इस का सही जवाब क्या है आप बोले सर तीन, एक प्लस दो बराबर तीन और कहानी यहां पे खत्म आप बोले सर बिल्कुल सेम कहानी अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर अठारह आपसे क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हमें किसका मान बताना है आप बोले सर बी का और बी का मान है वन माइनस टू साइन टू थीटा बी का मान बच्चे क्या है एक माइनस दो गुने साइन टू थीटा आप बोले सर आनंद आ चुका है इस क्वेश्चन में तो भाई साइन नब्बे का मान एक यानी कि एक माइनस दो बराबर माइनस एक तो एक का मान तीन है और बी का मान है माइनस एक यानी कि ए ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब यानी कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने से तीन क्वेश्चन आपको फ्री के मिले तो जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए ना तो कंडीशन देखकर हमें घबराना नहीं है हमें कंडीशन को सॉल्व करना है क्योंकि तो उससे आपके तीन क्वेश्चन कवर होंगे यानी कि साढ़े सात नंबर का ये क्वेश्चन था केवल इतना सॉल्व करने से साढ़े सात नंबर आपको मिलेंगे आप सर बिल्कुल साढ़े सात नंबर हमें मिलेंगे बोलो बच्चे कहानी समझ में आई आप बोले सर बिल्कुल कहानी हमें पे समझ में आ चुकी एक बारी आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट फिर अगले क्वेश्चन पर नहीं आएंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में आपको सिखा देंगे यानी कि शाम की क्लास में फिर से हमारा तांडव चलेगा यानी कि फिर से हमारा क्वेश्चन चलेगा देखिए क्वेश्चन बच्चे हम बहुत बारीकी से सीखेंगे आपको कतई भी टेंशन नहीं लेना है केवल अपना प्यार इसी प्रकार से बरसाते रहिए हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे तो चलिए बच्चे आज की क्लास में इतना ही अगर क्लास पसंद आए अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जाते जाते एक लाइन आपके सामने लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की नई कहानी लिखनी है नमस्कार बच्चों आपका अपना धीरज जय हिंद जय भारत